कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने कई नए प्रतिबंधों की घोषणा की। ऐसे में ट्रांसपोर्टरों का रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने राज्य सरकार से राहतकारी कदम उठाने की मांग की है। पीटीआई खबर के मुताबिक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कोर कमेटी के सदस्य बी मलकीत सिंह ने एक बयान में कहा कि रात में कर्फ्यू और राज्य में एंट्री को लेकर रोक से आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही में देरी हो सकती है। कई मामलों में ई वे बिल की मियाद भी खत्म होने की संभावना है, जिसके चलते उन्हें भारी जुर्माना देना होगा। इन सब ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रोजाना 315 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा है।